इसका तो भाई मीटर ख़राब हो रखा है, तो गियर में इसको सेल्फ लगाना पड़ेगा। दोस्तों अभी यहाँ पे दादी जी ने यहाँ पे चक्की लगा दिया है, और इधर देखो दांत कितने स्पीड से निकल रहा है यहाँ से नीचे। अभी गाइज यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल साफ चावल आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बाहर पे इसको देखने के लिए आया था, और फिर से चलते हैं गाइज। अभी यहाँ पे देखो यार क्या बन रहा है यहाँ पे, ये अपना प्यारा सा घोड़ा है। और गाइज देखो इसने मुझे पहचान लिया, ठीक है ना, पहचान लिया तो इधर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम तेज फरसवान और आप देख रहे हैं मुझे देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चलिए दोस्तों करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। अभी करीब बज रहे हैं सुबह के 9:30 के आसपास, और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं धुर्मी में, यहाँ से अपने गाँव से धुर्मी में, क्योंकि आज हमें जो है ये धान कुटवाना है, तो ऐसे में इसको चक्की में लेके जाना है। तो अभी हम बाइक में इसको लेके जाएंगे धुर्मी में, धुर्मी, और फिर शाम को इसको कूट के इधर लेके आएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस राइड को। तो अभी प्रेम की पल्सर लेके जा रहे हैं, बिकॉज अभी मेरी जो अपाचे की चाबी है वो घर में छूट गई, तो ऐसे में प्रेम की जो है पल्सर लेके जा रहे हैं। तो चलो सीधे मिलते हैं आपको धुर्मी में। तो गाइस फाइनली इसको करते हैं हम स्टार्ट, और इसका तो भाई मीटर ख़राब हो रखा है, तो गियर में इसको सेल्फ लगाना पड़ेगा। तो अभी आपको आगे का सफ़र यहाँ से दिखाते हैं। अभी गाइस फ्रेम पीछे से बहुत डर रहा है, बिकॉज बीच में कट है। हम चले धुर्मी। गाइस ये वाली रोड ना बहुत तगड़ी हो रखी है, बिकॉज यहाँ पे देखो यार गड्ढे गड्ढे हो रखे सारे, हर किसी के बस के बाद यहाँ पे गाड़ी लेके जाने की बस के बाद ये है। और भाई रोड बहुत ज़बरदस्त हो रखा है भाई, तो वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा वेट है पीछे से प्रेम और कट्टा, डर भी लग ही रहा है। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धुर्मी में, और यार सड़क से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ रहा है, बिकॉज चक्की ऊपर है तो इसलिए ऊपर जाना पड़ रहा है। और यार अभी पीठ पे लगा रखा है मैंने ये धान का कट्टा, और आगे जा रहा है प्रेम, ये चले गए तर कट्टा लेके, दूसरा कट्टा लेके। तो चलो अब चक्की में जाके मिलते हैं आपको। यार बहुत सांस फूल रही है इधर जाने में, ज़्यादा नहीं है बट
सांस फूल रही यार, पता नहीं क्यों। तो चलो अब ऊपर जाके मिलते हैं आपको, और फिलहाल इंजॉय करो इधर का व्यू। दोस्तों यार एक ही स्टेप आने पर थकान लग गई है, और इसको देखो यहाँ पे कंधे में लेके आया तो इसको भी थकान लग चुकी है। और साथ में लेके आ रखा हूँ मैं एक कट्टा जो एक्स्ट्रा चाहिए होता है जो दान है उसको डालने में, क्योंकि ये कट्टा भी फट चुका था तो इसलिए इसमें डालेंगे अब। तो चलो अब सीधे चक्की में मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चक्की में, और अभी हमने ये सब धान तुलवा लिया है, और अब थोड़ी देर में इसकी कुटाई शुरू हो जाएगी। ये दोनों चक्की यहाँ पे है, और एक आटे का है और एक धान का। दोस्तों अभी दादी जी ने यहाँ पे लगा दी है चक्की, और गाइस अभी यहाँ पे देखो यार क्या बन रहा है यहाँ पे। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता हुआ यहाँ पे लगा हुआ। अभी गाइज यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल साफ चावल आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बाहर पे इसको देखने के लिए आया था, और फिर से चलते हैं अंदर। इतना सारा कुछ मैं पेन डाल रहे हैं फटाफट से ऊपर से दान, और यहाँ से एक इसकी कटाई करके नीचे से आ रहा है बिल्कुल साफ साफ। देखो बिल्कुल मैं प्यार साफ आ रहे हैं बिल्कुल साफ, इतने स्पीड प्यार यार बिल्कुल साफ। और तक के देकर इज्जत होता है हिमालय लगे हुए यहाँ पे, हिमालय यार बहुत अच्छा है यार। अपना अपना रोजगार है सबका, और होने भी चाहिए यार, बहुत सहूलियत मिलती है पहाड़ों में लोगों को। फाइनली दोस्तों अभी आ चुके हैं ये दान लेके, और मैं लेके आ रहा हूँ भूसा, और प्रेम लेके आ रहा हूँ ऊपर चावल कट्टे में, और चावल बहुत भारी हो रहा है। तो एक कट्टा चावल और भूसा लेके मैं आ रहा हूँ, और बाकी दोस्तों ये लेके आ रहा है अभी चावल। मात्र एक घंटे में सारा जो है कि दान कूट दिया था, तो यही फ़र्क पड़ता है यार चक्की से कूदने और हाथ से कूदने में। और हाथ से कूदने में तो यार बहुत टाइम लगता, और इतना भी नहीं कूद पाता है एक दिन में। और चक्की का कमाल देखो, आधे घंटे में दो कट्टे यानी कि 80 किलो
चावल कूट गया था। तो चलिए सीधे चलते हैं रोड। अभी गाइस एक और पार्टनर यहाँ पे आ गया है और ये देखो 10 kg ये लीजिए लेके जा रहा है और कटा देखो इधर उधर से सारा फट चुका है, इसलिए उसको बांध रखा है। और बाकी यहाँ देखो एक कट्टा भूसा लेके मैं जा रहा हूँ। बाकी दोस्तों दुर्मी का व्यू कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, बाकी इधर आजकल गेहूँ वगैरह बोर्क हैं और इधर वाले खेत बिल्कुल खाली हैं। दुर्मी गाँव में मकान कुछ अलग अलग से हैं, कुछ इधर हैं तो कुछ इधर साइड, कुछ ऊपर वाले साइड में अलग अलग जगह मकान है और यहाँ पे है सड़क मेन स्टेशन। अभी गाइस मैं आ चुका हूँ दुर्मी से अपने घर पे और अभी यहाँ पे भी खाना बन रहा है। और फिलहाल तो दोस्तों अभी थोड़ी देर के लिए यही हूँ। और यार वहाँ पे देखो पूरा यार उसका धूल गया हुआ है, धान का जो कूटते समय धूल उड़ा था ना वो सारे सर में और सारे मुंह पे लगा था और अभी इसको साफ कर रहा हूँ मैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे बन रहा है हमारा चावल, आग जली हुई है, ये अपना प्यारा सा घोड़ा है। और गाइस देखो उसने मुझे पहचान लिया, देख रहा पहचान लिया था, इधर 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 ले साल देखो, बाय 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 देखो चल ठीक है बाय। अभी गाइस एक और ड्यूटी लग चुकी है तुम्हारे भाई की, वहां से आके एक 12 घास लेके आना है ऊपर से और हमारे यहाँ ना जो ये लकड़ी होती है इसमें डाल के लाते हैं और इसको कहते हैं सुरटा हमारे यहाँ। और बाकी दोस्तों चलते हैं फटाफट से, यार बहुत दूर जाना है ऊपर, एक के बाद एक काम करना पड़ रहा है यार आजकल लगातार। सामने देखो दोस्तों, ये सामने देखो दोस्तों हमारे गांव का व्यू कितना प्यारा सा लग रहा है यार। देखो इधर हमारा पूरा गांव और ये है दुर्मी लेक और नीचे साइड दुर्मी गांव और उससे नीचे आपको गौणा बनारी दिख रहा है और वहां से नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, खाली बादल कोरा ही कोरा दिख रहा होगा। तो धीरे धीरे सनसेट भी हो चुका है दोस्तों, अभी थोड़ा सा ऊपर वाली पहाड़ियों में दिख रहा है धूप, बट आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन इधर से पूरा सनसेट हो चुका है। और फिलहाल दोस्तों मैं भी आ चुका हूँ अपने जो घास की मांग है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ जी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों।